हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स। अक्सर हम क्या करते हैं, आलू कीमा की सब्जी बना लेते हैं, ज़्यादा बना लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बच जाता है। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम एकदम मज़ेदार से परांठे बनाकर तैयार करेंगे। मैं आपको बताऊँगी किस तरह से बनाती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, ये आलू कीमा बहुत ही मज़े का बनता है वैसे, और ये ताज़ा और फ्रेश ही अच्छा लगता है। जब ये थोड़े दिन का हो जाता है फ्रेंड्स, ऐसे एक दो दिन का हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसके हम पराठे बनाकर तैयार करेंगे आज इस रेसिपी में। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस रेसिपी को। चलिए फ्रेंड्स, बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो भी इसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हरी मिर्ची, तेजपत्ता, इसको हम अलग कर लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से साफ करके हटा लेंगे इनको, तेजपत्ते को, हरी मिर्ची को, और इस तरह से ये बड़ी इलायची को भी हम हटा लेंगे। और जैसे काली मिर्ची, लौंग वगैरह है फ्रेंड्स, वो तो हम पीस ही लेंगे। इसको हम कीमे को पीसेंगे, फिर हम इसको आटे में इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं बनाती हूँ। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा इस रेसिपी को। मैं सभी को हटा लेती हूँ पहले। सो फ्रेंड्स, मैंने सभी मोटी मोटी चीज़ों को अलग कर लिया है। इसको हम नहीं पीसेंगे और ये अच्छी भी नहीं लगेंगी फ्रेंड्स जब हम पराठे बनाएंगे। तो अब हम ये आलू और कीमा को हम पीस लेंगे। एक ग्राइंडिंग जार ले लेती हूँ। इस तरह से हम जार में ऐड कर लेंगे आलू और कीमा को। और जो भी फ्रेंड्स आपको लगे मोटी मोटी हरी मिर्ची, इसको हम हटा देंगे। और इसको हम एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बस सिंपल तरीके से फ्रेंड्स इसको हम पीस लेंगे। और इसमें हम पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पीस का तैयार कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम मैंने फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब इसका हम आटा लगा के तैयार करेंगे। इधर मैंने 2 कप मैंने ये गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। वैसे तो आलू कीमा में हमने नमक ऐड किया था, तो अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हो। अक्सर आलू कीमा फ्रेंड्स बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस तरह से जब आप पराठे बनाओगे ना, तो वो बिल्कुल सफ़ा कर देंगे, इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें हम आलू कीमे का पेस्ट ऐड कर देंगे आटे में। जार को हम अच्छी तरह से साफ करके इसमें ले लेंगे आलू कीमे को। जार को मैंने पानी डाल के इस तरह से साफ कर लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे आटे के साथ में। इसमें ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें पानी डालकर इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। मैं आपको बताऊंगी ये छोटी से छोटी चीज़ें आप फॉलो करके जब बनाओगे तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। अगर अभी आप ये आलू कीमे का पेस्ट के संग ही पानी ऐड कर देते हो, तो फ्रेंड्स आटा हमारा पतला हो जाएगा। तो उस हिसाब से चेक करके पहले इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे आलू कीमे को। जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका आटा लगा के हम तैयार करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। 2 कप गेहूं के आटे में मैंने 1 कप आलू कीमे का पेस्ट ऐड किया है। बस इतनी क्वांटिटी फ्रेंड्स ये बराबर है इसकी। और आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हो तो फ्रेंड्स कोई परेशानी नहीं है। इधर मैंने 1 कप पानी ले लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो लगाकर हम तैयार कर लेते हैं। सिंपल तरीके से फ्रेंड्स हम जैसे नॉर्मल आटा लगा कर तैयार करते हैं, उसी तरह से हम इसका भी आटा लगा के तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने सॉफ्ट सा आटा लगा कर तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स ये पटा इधर मैंने आटा लगा कर तैयार कर लिया है। एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा कर तैयार करेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी और इस तरह से हम इसको चिकना कर लेंगे आटे को। इस तरह से हम आटे को मसलते हुए चिकना कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट तक करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हम जब पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे एकदम गोल और बढ़िया से बनकर तैयार होंगे। इसमें मुझे 1 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है और इसमें से भी मेरा पानी थोड़ा सा बच गया है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 1 कप पानी लिया था, इसमें से भी लगभग 1 चम्मच के करीब पानी बच गया है। और हमारा आटा इस तरह से लगकर तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड्स इसका पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उस हिसाब से आप पेड़ा तोड़ कर ले लीजिएगा। तो मेरे फ्रेंड्स मैं मीडियम साइज़ का बनाऊंगी, तो इतना बड़ा मैंने तोड़ कर तैयार कर लिया है पेड़ा। और इस तरह से हम गोल शेप कर लेंगे इसका। इस तरह से, और फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट ये आटा लगकर तैयार हुआ है, एकदम स्मूथ। चलिए फ्रेंड्स इसको हम बेल लेंगे। इसको हम आटे की डस्ट से कोट कर लेंगे और इसको हम प्रेस कर लेंगे।
और इस तरह से हाथों से कर लेंगे फ्रेंड्स, जैसे हम रोटी को करते हैं उसी तरह से सेम। अब इसको हम बेल लेंगे, ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ज़्यादा मोटा, मीडियम हम इसको बेल कर तैयार करेंगे। इस तरह से हम गोल बेल लेंगे इसको, देख सकते हो फ्रेंड्स आप, बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, बहुत ही स्मूथ है हमारा पराठा, एकदम सीधा गोल बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरह से हमें बेल कर तैयार कर लेना है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, इसको हम उठा लेंगे और इसको हम तवे पे डाल देंगे। इधर मैंने तवे को गर्म कर लिया था, अब इसको हम पराठे को डाल देंगे तवे पर और इसको एक साइड से सिकने देंगे। इधर एक साइड से पराठा सिक गया है तो इसको हमें पलट देना है। अब इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे, आप घी में भी बना सकते हो फ्रेंड्स, इसको बटर में भी बना सकते हो, बहुत ही मज़े का ये लगता है बच्चों के लिए, तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा जब आप घी में या बटर में बनाओगे इसको। अब इसको हम पलट के सेक लेंगे। इसको इस साइड से भी ऑयल डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हम सेक लेंगे, क्रिस्पी करारा होने तक इसको सेकना है पराठे को। इस तरह से प्रेस कर करके इसको सेकना है, इस साइड से भी हम सेक लेंगे। और फ्रेंड्स देख रहे हो ना, लग रहा है ना कितने मजे का ये पराठा, तो फ्रेंड्स आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, इस पराठे को आप जरूर से बनाइएगा। जो भी आलू कीमा खाना पसंद नहीं करता है तो ये पराठा खाएगा फ्रेंड्स आलू कीमे का। सो फ्रेंड्स अच्छी तरह से ये पराठा सिक गया है, चारों तरफा से मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर करके सेक लिया है पराठे को, और इसी तरह से हम सभी पराठे बनाकर फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स लीजिए, मैंने इस तरह से पराठे फ्राई करके तैयार कर लिए हैं सभी। और फ्रेंड्स आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स नीचे रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, प्रेस करके बेल आइकन पर साइड में दिए हुए प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलूंगी ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, अल्लाह हाफिज़।